क्रिकेट हम इंडियंस का फेवरेट स्पोर्ट है और फिल्में देखना हमारा शौक। बॉलीवुड और क्रिकेट का नाता तो सालों पुराना है। क्रिकेटर्स और बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का एक दूसरे के प्रति ऑब्सेशन कोई नई बात नहीं है। हमेशा किसी न किसी एक्ट्रेस और क्रिकेटर्स के अफेयर की गॉसिप चलती रहती है। इनमें से कुछ अफेयर सक्सेसफुल रहे तो कुछ असफल। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे क्रिकेटर्स के बारे में बात करेंगे जो बॉलीवुड एक्ट्रेस के प्यार में पड़ गए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ।1965 में बॉलीवुड अदाकारा शर्मिला टैगोर की मुलाकात एवरग्रीन क्रिकेटर मंसूर अली से एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू हुई थी। दोनों भी एक दूसरे से उतनी ही अट्रैक्ट हुए थे, पर लव एट फर्स्ट साइट नहीं था। मंसूर अली को शर्मिला टैगोर को इम्प्रेस करने में 4 साल का वक्त लगा था और बाद में शर्मिला ने हाँ कर दी थी, लेकिन उनके रिश्ते को आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम्स आ रहे थे क्योंकि शर्मिला टैगोर बंगाली फैमिली से थी और मंसूर अली मुस्लिम नवाब। लेकिन इन चीजों को दरकिनार कर 27 दिसंबर 1969 को दोनों ने शादी कर ली। नीना गुप्ता वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ रिलेशनशिप में थी। विवियन रिचर्ड्स जब नीना गुप्ता के साथ रिलेशन में थे वो ऑलरेडी शादीशुदा थे। नीना गुप्ता ही उनके चार्म और स्टाइल की दीवानी हो गई थी। विवियन रिचर्ड्स नीना गुप्ता का पहला प्यार था, पर रिचर्ड्स ने इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लिया था। उनको एक लड़की हुई। रिचर्ड्स ने कभी नीना का साथ नहीं छोड़ा और अपने रिलेशन को एडमिट किया। उन्होंने अपनी लड़की का नाम मसाबा रखा, जो अभी फैशन डिजाइनर है और नीना जी के साथ रहती है। नीना गुप्ता और विवियन रिचर्ड्स ने अपना रिश्ता खत्म किया और अपनी अपनी राह पर चल दिए। इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे सक्सेसफुल क्रिकेटर्स में से एक मोहम्मद अजरुद्दीन संगीता बिजलानी के प्यार में गिर गए थे। उनकी मुलाकात 1996 में हुई थी। संगीता गुड लुकिंग और अट्रैक्टिव थी, जो अजरुद्दीन का विकेट उड़ा गई। अजरुद्दीन पहले से शादीशुदा थे, मगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने से अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने कई साल तक संगीता को डेट किया, लेकिन अपनी बीवी को तलाक देने के लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से उनकी रिलेशनशिप 2010 में एंड हो गई। इंडियन क्रिकेट का सबसे चमकता सितारा विराट कोहली का अफेयर कई खूबसूरत महिलाओं के साथ रहा, जिनमें सारा जेन डियाज से लेकर ब्राजीलियन एक्ट्रेस और मॉडल इसाबेल लेटी का नाम शुमार है। विराट कोहली ने कभी ओपनली अपने इन अफेयर्स के बारे में डिस्कस नहीं किया। फिर उनकी मुलाकात हुई अनुष्का शर्मा से। पहले उन्होंने अपने रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लिया। दोनों का इंटेंशन एक दूसरे से शादी करने का नहीं था, वो सिर्फ डेटिंग कर रहे थे। खबरें थी कि उनका बीच में ब्रेकअप भी हो गया था। अनुष्का और विराट का बाद में पैचअप भी हो गया। वो अपने रिश्ते को कभी पब्लिकली एक्सेप्ट करने में नहीं हिचकिचाए और बाद में शादी कर ली। अभी हाल ही में उनको एक लड़की हुई है। युवराज और मोहब्बत फेम किम शर्मा 4 साल तक रिलेशन में थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणवश उनका ब्रेकअप हो गया। इसमें मेन रीजन थी युवराज की माँ शबनम। उनको हमेशा किम की फिल्में और उनका फिल्म में खुद को एक्सपोज करना पसंद नहीं था। युवराज किम शर्मा के साथ लंबे समय तक सीरियस रिलेशनशिप में थे, मगर र्यूमर्स ऐसे थे कि वो दीपिका के साथ भी रिलेशनशिप में थे। युवराज और दीपिका ने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन इन दोनों को कई बार रेस्टोरेंट्स और कैफेज में साथ देखा गया था। दीपिका ने युवराज के लिए बर्थडे पार्टी भी दी थी। खबरें थी कि दीपिका को युवराज का पॉजिटिव कैरेक्टर पसंद नहीं था और उन दोनों में ब्रेकअप हो गया। युवराज ने बाद में बॉडीगार्ड फेम एक्ट्रेस हेजल के साथ शादी कर ली और दीपिका रणबीर कपूर के साथ आगे बढ़ गई। जहीर खान और ईशा शर्वानी 8 साल तक रिलेशनशिप में थे। जहीर अपने बॉलिंग और क्रिकेटिंग करियर को लेकर पैशनेट थे, तो ईशा बॉलीवुड में नई नई आई थी। दोनों को भी अपने करियर की पड़ी थी, इसी वजह से उनमें ब्रेकअप हो गया। र्यूमर्स ऐसे भी थे कि जहीर मॉडल और विजय रेमोना के साथ भी रिलेशनशिप में थे, लेकिन दोनों ने भी इसको सिरे से खारिज कर दिया। बाद में जहीर के लाइफ में आई चक दे इंडिया फेम सागरिका घाटगी। उनकी रिलेशनशिप कुछ समय तक सीक्रेट रही, बाद में उन्होंने पब्लिकली अपने रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया और शादी कर ली। हरभजन सिंह और गीता बासरा 2007 में एक इवेंट में कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे। गीता बासरा अपने फिल्मी करियर में उतनी सफल नहीं हुई और अपने पर्सनल लाइफ पर फोकस किया। हरभजन और गीता ने अपने रिलेशन को कभी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया। वो सिर्फ अच्छे दोस्त है ऐसा कहते रहे, लेकिन 8 साल रिलेशनशिप में थे। साल 2015 में दोनों ने शादी कर ली। सौरव गांगुली जब अपने करियर के पीक पर थे, तब र्यूमर्स ऐसे थे कि उनका अफेयर साउथ इंडियन एक्ट्रेस नगमा के साथ था। सौरव गांगुली जो कि पहले से शादीशुदा थे, उन्होंने इस खबर को नकार दिया। उनकी वाइफ डोना गांगुली उनके साथ खड़ी रही और अपने शादीशुदा जीवन में तकरार आने से बचाया।
जब रवि शास्त्री अपने क्रिकेटिंग करियर के फुल फॉर्म में थे तब अमृता सिंह उनके चार्म पर फिदा हो गई थी। वो कई दफा रवि शास्त्री के लिए मैच देखने स्टेडियम जाती थी। उनका ये रिलेशन ज्यादा देर तक नहीं चला, सिर्फ गॉसिप चलती रही। बाद में दोनों ने अपनी राह अलग कर ली। रवि शास्त्री ने रितु सिंह से शादी कर ली और अमृता ने अपने से छोटे उम्र के सैफ के साथ घर बसाया। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।